गौ माता बंदे गौ माता, हम जानते हैं सब कि आज ने हमने जो ये अरेंज किया है प्रोडक्ट जो एसपीएन फार्मिंग करते हैं जो फार्मर्स गुजरात के, तो फार्मर को अपना मार्केट मिले और फार्मर अपनी ही प्रोडक्ट मार्केट में सेल करे तो फार्मर को क्या बेनिफिट होता है, और जो प्रोडक्ट्स फार्मर अपने खेत में लगाते हैं और उसको मार्केट में प्राइस ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट है मार्केट में गौ, अभी जो ग्राउंडनट लगाते हैं फार्मर्स उसको रेट नहीं मिलता, तो फार्मर उसका ऑयल निकाल के मार्केट में अगर बेचेंगे तो उसको ज़्यादा रेट मिलेंगे, और जो मार्केट में ग्राउंडनट ऑयल मिलता है और एसमिन जो ग्राउंडनट करते हैं उस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हमारे साथ अभी जो दीक्षित भाई पटेल है जो एसपीएन एफ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जो फार्मर्स, उसका जो एसोसिएशन पूरा गुजरात में है तो उसके संयोजक है पूरा, और उसके बारे में अभी ग्राउंडनट ऑयल के बारे में हमको बताएंगे कि किस तरह से इस ऑयल को तैयार किया जाता है। दीक्षित भाई नमस्कार। मित्रों, ये जो प्राकृतिक कृषि करते हैं, प्राकृतिक कृषि जो करते हैं वो सभी किसान, सभी गुजरात में जितने भी फसल होती है सभी प्राकृतिक तरह से किसान ही करते हैं। तो नॉर्मली ये जो ग्राउंडनट हैं, तो ग्राउंडनट में जो बाज़ार में जो मिल रहा है, बाज़ार में जो ऑयल मिल रहा है वो 2500 के आसपास में 15 लीटर का 15 किलो का टीन है वो मिल रहा है, और हमारे जो प्राकृतिक किसान एसपीएन एक पद्धति से जो करते हैं वो 3000 से 3500-3200 में जो डब्बा 15 किलो या 15 लीटर का बेचते हैं। अभी ये लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम 500-700 रुपया ज़्यादा क्यों दें, तो उसमें मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि हमारा जो ये एसपीएन एफ पद्धति का जो ऑयल है इसमें पूरा नेचुरल ऑयल है, कच्ची गाड़ी का ऑयल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई पामोलिन का कोई एडिटिव नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव का एडिटिव नहीं है, और ये ऑयल 1.5-2 साल तक कुछ भी नहीं होता है। बाज़ार में जो मिलता है 2500 रुपये में उसमें 30% गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसमें आप पामोलिन मिला सकते हैं, तो पामोलिन मिला हुआ है तो हमारे शरीर में वो नुकसान करता है, स्लो पॉइजन है ये, जो ये खाने के बाद में हमारा जो इम्यूनिटी है वो बढ़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को कि आपको प्राकृतिक तरीके से किया हुआ जो तेल है कच्ची घानी का वही खाना चाहिए। दूसरा एक इसका एडवांटेज ये होता है कि जो बाजार का तेल है वो हम 3 चम्मच यूज़ करें, ये 2 चम्मच यूज़ करो उतने ही रिजल्ट मिलेगा, इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें प्योरिटी है, इसलिए ये प्योरिटी की वजह से जो भाव है, मतलब कि कम यूज़ करना है तो मतलब वही भाव मिलेगा, सस्ता पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि हमारा स्वास्थ्य के लिए कोई कीमत नहीं होती है, स्वास्थ्य रहेगा तो हम रहेंगे, और ये जो खाने वाला जो यूज़ करेगा तो इसके जो खेती करने की पद्धति है इसमें केंद्र स्थान में जो गाय माता है, गाय माता बचेगी तो हम बचेंगे देश बचेगा, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको कि ये प्राकृतिक खुराक ही लेना चाहिए। दीक्षित भाई, मान लो कि अभी प्राकृतिक कृषि हमारे काफ़ी फार्मर्स अभी 2 लाख के आसपास फार्मर कर रहे हैं, तो अब जो प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, सब फार्मर को अपना प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो आपको किस तरह से वो कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर फार्मर को ऐसा स्टॉल जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे आर्मी कैंप में हमारा स्टॉल लगाया है, तो ऐसी गवर्नमेंट की ओर से आपको जो भी मिल रहा है किस तरह से आप करते हैं? इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी हमको सेक्टर 20 में एक जगह अलॉट की है, उस जगह में 25x15 की एक जगह है जिसमें एक में स्टोर कर सकते हैं और इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें हम ये सभी प्राकृतिक कृषि करने वाले किसान की सभी प्रोडक्ट का हम ऐसे प्रोसेस करके वहाँ पे रखेंगे, डिस्प्ले रखेंगे और वहाँ से सेल करेंगे, और वहाँ पे प्राकृतिक फल फलादि भी रखेंगे, मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी रखेंगे, और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का हम होम डिलीवरी करेंगे, वो रखेंगे नहीं, लेकिन डिस्प्ले में हम ये पूरी जो भी ये ड्राई जो भी हैं हमारे पास जो भी दालें हैं, अनाज हैं और बाकी ये सब प्रोसेस आइटम हैं वो सभी आइटम हम वहाँ रखेंगे, और वहाँ से हम लोग सेलिंग भी करेंगे और होम डिलीवरी भी करेंगे पूरे गांधीनगर में। ये था कि ये जो स्टोर है वो कितने टाइम तक ओपन रहेगा, मतलब कितना टाइम, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? अच्छा, और टाइमिंग? हाँ, सेक्टर 21 में जो हमारा जो जगह गवर्नमेंट ने अलॉट की है उस जगह पे हम सुबह 8 से लेके रात को 9 बजे तक हमारा स्टोर खुला रहेगा, पूरा दिन खुला रहेगा, और वहाँ से हम सेलिंग करेंगे और होम डिलीवरी का भी सेगमेंट वहीं से चलाएंगे। और डेट? और वो टेंटेटिव हमारा 10-15 दिन में हम ओपन करेंगे, इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन हम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के कोई डिग्निटरी से करवाएंगे तो वो पूरा हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसमें अभी डेवलपमेंट चल रहा है फर्नीचर वगैरह का, तो वो 8-10 दिन में हो जाएगा, उसके बाद में हम प्लानिंग करेंगे।
अच्छा, ये जो SPNF की जो प्रोडक्ट हैं, इसमें सभी फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सिस, अनाज, जो भी प्रोडक्ट SPNF किसानों ने पकाई हुई है और प्रोसेस की हुई है, वो सारी प्रोसेस की हुई जो प्रोडक्ट हैं वो गांधीनगर और अहमदाबाद में होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। यदि आपको होम डिलीवरी चाहते हैं अहमदाबाद और गांधीनगर में, तो आप 400 या 500 रुपया हम कुछ डिसाइड करेंगे, उससे यदि ऊपर की कीमत का है आपका, तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। और वो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मैसेज करके हमारा ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हर वीक आपको मैसेज मिलेगा और प्राइस के साथ में मिलेगा कि ये क्या क्या अवेलेबल है और आपको कौन से डेट को मिल जाएगा। अभी ये सारी प्रोडक्ट आपको होम डिलीवरी मिलेगी, तो मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9426513642। ये नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों इनका फ़ायदा उठा सकें और ये प्रोडक्ट ले सकें। और बाकी इसको जो है, जो YouTube बनाते हैं जो भाई, वो आपको बताएंगे। मेरा नाम किंचित अमीन है और मेरी जो चैनल का नाम है AK टेक्नो एंड ट्रैवलिंग। और ये जो यहाँ पे जो मैं विजिट पर्टिकुलर करने के लिए इसलिए आया था क्योंकि किसान मित्रों को एक मतलब प्लेटफॉर्म भी मिले, और ये आप जो खा रहे हो, मतलब जो चीज़ आप घर पे खा रहे हो वो सही से आपके घर पे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसमें प्राकृतिक का पूरा मतलब यहाँ पे पूरा डिस्प्ले किया है और वन बाय वन मैंने सबका वीडियो भी लिया है। तो आई बटन में मेरा लिंक होगा, उस पर जाके क्लिक करोगे तो आपको पूरा मतलब एक 1-to-1 सभी लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और होम डिलीवरी फ्री है, लेकिन वो 500 रुपीज़ से ज़्यादा का ऑर्डर करोगे तभी फ्री है, ठीक है। और उनका नंबर वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यहाँ पे जो दीक्षित सर है, जिसका मैंने बताया था आपको कि ये दीक्षित सर है जो इसको ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और ये सर है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से, ठीक है। तो मतलब अपने किसान भाई लोगों को मतलब इतना प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो आगे जाके वो लोग खुद भी देख सके कि भाई ये कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी इसमें मिल सके उनको। और बीच में जो बिचौटिया बोलते हैं ना, वो सब हट जाए। इनका कॉन्सेप्ट यही है कि आप खेत में से डायरेक्ट डिश पे आ जाए, ठीक है, फार्म टू होम। और जो भी अभी गुजरात में किसानी कर रहे हैं, जो रासायनिक कृषि कर रहे हैं, वो उनको भी हम प्राकृतिक कृषि कैसे करनी उसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको भी हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ें। और गुजरात में हम 100 APO बनाए हुए हैं, तो हर इलाके में APO है, तो APO में जुड़ेंगे तो उसमें उनका भी हम प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन करके मार्केट करने की हम सुविधा में साथ में शामिल करेंगे।